आप समझ पाएंगे कि भारत में विकास किस रफ्तार से हो रहा है और विशेषकर धारा 370 की समाप्ति के बाद जो सवाल उठे थे कि आखिर जम्मू कश्मीर को क्या विकास के आप समझ पाएंगे कि भारत में विकास किस रफ्तार से हो रहा है और विशेषकर धारा 370 की समाप्ति के बाद जो सवाल उठे थे कि आखिर जम्मू कश्मीर को क्या मैं इनको रोक के रखूंगा। मैं ये सभा क्या है यार, कैमरा थोड़ा आगे बढ़ा लो ना आप भाई, और पैसे कैमरे हैं थोड़ा साइड हो जाओ यार, एक मिनट के बोल रहा हूँ, इधर हो जाओ, थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे हो। मैं ना बनाऊंगा, आगे ना बनाओ ना, फिर छोड़ो तो यार, हिला क्यों रहे हो मेरे को, हिला इसलिए रहा हूँ, इसको कहा इधर रहो, थोड़ा इधर ही हूँ, जोर कने अजय जानते मैं करे करना मेरी कोशिश ही होंगी भाई, कोई हिले नहीं। सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और इस पुल पर अभी जो ट्रायल होने जा रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, और भारत माता की जय घोष के साथ बीच रेल मंत्री आएंगे।
भैया भैया ऊपर यहाँ रेल मंत्री एक चीज को समझ कोशिश की जा रही है जो यहाँ बारह आने वाले बात करें He's talking to engineers, trying to understand things, properly understanding each and every aspect. He's looking... बहुत ही बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला, इसमें चेनाब ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है। ये दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। आज इस पर ट्रॉली इंस्पेक्शन स्टार्ट हुआ। इस ब्रिज को कंप्लीट करने में, इस ब्रिज के डिज़ाइन में बहुत ही मेहनत लगी है। बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास फीचर्स इस ब्रिज के डिज़ाइन में आए हैं। ये 359 मीटर की हाइट का ब्रिज है। इसमें 28,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। इसकी फाउंडेशन को अगर हम देखें तो एक तरफ की फाउंडेशन आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर की फाउंडेशन है। फाउंडेशन को चूंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और रिक्टर स्केल 8 के हिसाब से कंप्लीट ब्रिज की डिज़ाइन की गई है, तो इसकी फाउंडेशन में बहुत ही स्पेशल एक एलिमेंट होता है जिसको डेविडेक बार्स बोलते हैं। 18,000 डेविडेक बार्स और केबल स्टेज लगे हुए हैं जिससे कि फाउंडेशन एकदम मजबूत रहे और किसी भी परिस्थिति में ब्रिज एकदम स्टेबल रहे। इस ब्रिज के और भी बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जैसे अगर अर्थक्वेक का ट्रेमर आता है तो जो सिस्मिक वेव है, जो अर्थक्वेक की हिलाने वाली मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट में फाउंडेशन को और ऊपर के स्ट्रक्चर को सेपरेट करने वाले बेयरिंग्स हैं। यानी अर्थक्वेक का इम्पैक्ट फाउंडेशन सहन कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की डिज़ाइन इस ब्रिज में है। साथियों, इस ब्रिज का काम हालांकि 2005-2006 के आसपास आरंभ हुआ था, लेकिन असली प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस चालू हुई जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। 2014 के बाद में इस ब्रिज की डिज़ाइनिंग में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए।
एक फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला दिया था वो ये था कि इस ब्रिज की डिज़ाइन 100 साल से अधिक होनी चाहिए। मोदी जी ने क्लियर एक मैंडेट दिया था कि इस ब्रिज की डिज़ाइन जब करो 100 साल से अधिक की डिज़ाइन करो, इसीलिए इस ब्रिज की डिज़ाइन 120 साल की डिज़ाइन के हिसाब से किया गया है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप देखते हैं कि दोनों तरफ बड़े पहाड़ है और बीच में एक वैली है। जब भी इस तरह का ज्योग्राफी होती है, जब भी इस तरह की टोपोग्राफी होती है तो उसमें विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो विंड स्पीड यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्व की गई 150 किलोमीटर पर आर के आसपास की विंड स्पीड ऑब्जर्व की गई थी, इसीलिए इस ब्रिज का डिज़ाइन 266 kmph की विंड स्पीड को आराम से सस्टेन कर सके, उस हिसाब से ये ब्रिज डिज़ाइन किया गया है। इस ब्रिज को वंदे भारत के लिए सूटेबल है, ये डिज़ाइन है। और कल बारामूला तक जाके मैंने पूरे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया था। बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है, वो भी कल इंस्पेक्शन किया। तो जैसे ही ये ब्रिज थ्रू होता है, जैसे ही ये लाइन थ्रू होती है, बड़ी बड़ी टनल्स हैं, अंजी खड का बड़ा ब्रिज है, जैसे ये सब थ्रू होता है उसके तुरंत बाद में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में संकल्प लिया है देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ने का, तो इस रूट पे भी वंदे भारत चलाई जाएगी। साथियों, बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, वो आज जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की और देश के इंजीनियरिंग टैलेंट की और देश को जो नई दिशा में ले जाने वाले नेतृत्व है, ऐसे नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इस तरह के ब्रिज का, इस तरह के प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो देश के लिए गौरव की बात है, देश के कॉन्फिडेंस की बात है। और देश जो आत्मनिर्भर भारत एक नए जोश के साथ आगे बढ़ रहा है, ये उस जोश की पहचान। धन्यवाद सर। कितना समय इसको लग जाएगा कंप्लीट होने में? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में दिसंबर 23, जनवरी 24 के आसपास इस पे ट्रेन चलनी चाहिए, ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं। और बहुत ही मेहनत से, कल मैं एलजी साहब से भी मिला था, यूटी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, हर तरह का होम मिनिस्ट्री की तरफ से हर तरह का सहयोग मिल रहा है और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ये प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट कितने की सर इसकी? इस ब्रिज की कॉस्ट करीब 1600 करोड़ है, 1548 करोड़ इस ब्रिज की कॉस्ट है। सर, आतंकवाद एक ग्रस्त इलाका रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां थी इंजीनियर्स के लिए और आप आज खुद पहुंचे हैं यहाँ? जब देश में कोई बड़ा काम करने का जज्बा होता है तो सारी चुनौतियों को सहन करके, सामना करके, उनको फाइट करके देश आगे बढ़ता है। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को, विकास को एक टोटली नई डायरेक्शन दी है। उस डायरेक्शन में कोई आतंकवादी हमले हो, कोई थ्रेट हो, उन सबको फेस करके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके, और इस पुल के डिज़ाइन में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, उन सब चीज़ों को ध्यान रख के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का बॉर्डर, उस आधार पर किस तरह से आप लोग सुरक्षा व्यवस्था की है? ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। हर तरह के विकास के काम कश्मीर के निवासियों को, हमारे साथियों को, भाइयों और बहनों को, उन सब को, देश में जो तरक्की हो रही है उस सब तरक्की का एक अभिन्न हिस्सा बना रहा है। और कल मैं बारामूला गांव में गया था, बारामूला शहर में गया था, बड़गांव में गया था, शेखुपुरा में गया था, सब जगह इतनी ऊर्जा है, इतना उत्साह है, किस तरह से गांव-गांव में पानी की फैसिलिटी आ रही है, किस तरह से गांव-गांव में बिजली आ रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी आ रही है, हर तरह की जो डेवलपमेंट के सारे पैरामीटर्स पे। एक जगह तो एक छोटे से बच्चे ने कहा कि स्कूलें पहले बंद रहती थी, कभी कभी खुलती थी, अब स्कूलें खुलती है, हमारा भविष्य निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ।